विधानसभा चुनाव 2023 में शत प्रतिशत मतदान को लेकर भिलाई निगम द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के छठवें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और घर घर जाकर नागरिकों को मतदान करने का संकल्प दिलाया। जिला निर्वाचन कार्यालय एवं आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नवरात्र के 9 संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिला समूहों मितानिन एवं नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी जाति धर्म भाषा के भय लोभ में आए बिना लोकतंत्र के पर्व में शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया। छठवें दिन स्वास्थ्य सेवा में संलग्न रहने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प दिलाया। भिलाई निगम के आजीविका मिशन की महिला समूहों के सदस्यों द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिला समूह एकत्रित कर मतदान हमारा अधिकार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई डर और ऊंच नीच जात पात से उठकर स्वच्छ मतदान करने संकल्प दिलाया। साथ ही अपने रिश्तेदार और घर परिवार के सभी मतदाताओं को भी मतदान करने प्रेरित करने की बातें कही। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग एवं हमारे आयुक्त श्री व्यास सर के निर्देश पर जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान पूरे नगर निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। नवरात्र के 9 संकल्प के तहत स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को एकत्र करके शत प्रतिशत मतदान आगामी विधानसभा निर्वाचन में डालने के लिए सभी लोगों को संकल्प दिलवाया गया। अंडा चौक में क्रिकेट मैदान में विशाल जन महिलाओं की जन समूह को इकट्ठा कर वहाँ संकल्प दिलवाया गया। शंकर इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ के लोगों को, छात्रों को, युवा छात्रों को भी दिलवाया गया। मेडिकल कॉलेज में लोगों को दिलवाया गया। विभिन्न नर्सिंग होम में भी नर्सों को भी इकट्ठा करके वहाँ 100% मतदान का संकल्प दिलवाया गया। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लोग स्वस्फूर्त, अब सोशल मीडिया इतना तीव्र गति से प्रसारित करता है कि लोग स्वस्फूर्त होके इस बार मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग जो पहली बार मतदान करेंगे उनमें अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। इसी प्रकार सेक्टर 9 स्थित PG नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं तथा बैकुंठ धाम मांगलिक भवन में बड़ी संख्या में मितानिनें शामिल हुई और लोगों को मतदान करने प्रेरित किया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।